मेरा जो लाइफस्टाइल है, जो लेवल है, उसकी तुलना में सिर्फ प्यार, सच्चाई और ईमानदारी से करता हूँ। और तुम्हें देख के मैं एक बात समझ गया हूँ कि तुम्हारी मम्मी में इस चीज की कोई कमी नहीं होगी। So the point being, कोई भी साधारण नॉर्मल चीज अगर हो, अगर तुम उस पर सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करो तो उसका लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, मेरे से भी कहीं ज्यादा। ठीक है, कितना अच्छा बोलते हैं आप। अच्छे लोगों से मैं अच्छी ही बातें करता हूँ। मैं तुम्हें सारी डिटेल्स भेज दूंगा, तुम सारी डिटेल्स अपनी मम्मी को बता देना। और इस शादी में तुम ही कैटरिंग कर रही हो, ओके? यस। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपको पता है, आज से पहले हमें इतना बड़ा कैटरिंग ऑर्डर कभी नहीं मिला। पहली बार मिला है। माना सच में बहुत खुश हो जाएगी। मैं ना माँ को कॉल करके बताती हूँ। हाँ, वो बताने के लिए तुम्हें फोन काटना पड़ेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। माय गॉड, माँ तो सच में बहुत खुश हो जाएगी। इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, इतनी सारी मीडिया आएगी, हमारे बिजनेस को कितना बूस्ट मिलेगा ना। आई मीन, पैसा तो ठीक है, नाम का फायदा होना चाहिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, माँ को इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए। आपने हमेशा माँ के साथ ऐसे ही रहना, नहीं एक्चुअली सबके साथ ऐसे ही रहना। थैंक यू। अरे, किसको फोन लगा रही हो? अब फोन लगाने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। हाँ, लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? पति हूँ तुम्हारा। पति? तुम मेरे पति हो? नहीं नहीं, फिर तो शायद मेरी आदत कमजोर हो गई है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आप मुझे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने दो, सोचने दो, थोड़ा याद करने दो। हाँ, याद आया, तुम मेरे पति हो जिसके साथ मैं हनीमून पे गई थी, और वहाँ पे मैं जब थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई थी तो ऊपर तुम किसी और के साथ रूम में थे। Don't you dare. आगे कुछ मत कहना, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था और मैं इस वजह से जेल भी जा चुका हूँ। हाँ, फिर मैंने तुम्हारी हेल्प की थी बेल करवाने में, बट इट्स ओके, तुमने कहा है ना तुम मेरे पति हो, तो तुम अपनी पत्नी से हेल्प ले सकते हो। अब उसमें छोटे थोड़ी हो जाओगे, है ना? छोटा नहीं हो जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे छोटा बनाने वाली थी वो कॉल पे। ये अलग बात है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं छोटा बना रही थी मतलब? मतलब जो तुमने मुझ पे वो खाना गिराया और फिर किसी को बोल रही थी, ठाके लगा रही थी, वो क्या था? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दैट वाज नॉट फनी। ओके, व्हाट? तुम फिर से हंस रही हो? तुम्हें ना ऑब्सेशन है खुद से, मतलब तुम ना खुद को महान समझते हो, हद से ज्यादा महान, कि अगर दो लोग बात करें तो तुम्हारे बारे में बात करेंगे, राइट? बट अफसोस मिस्टर आरवी, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी मैं। तुम कहीं की कोई सुपरस्टार या रॉकस्टार नहीं हो कि मैं दिन भर सिर्फ तुम्हारी बातें करूं। एक्सक्यूज मी, मैं कॉलेज में वर्ल्ड फेमस था। वर्ल्ड फेमस कॉलेज में? वाओ, नहीं मतलब ऑफ कोर्स होंगे, बिल्कुल होंगे, मुनीशा जैसी लड़कियों के लिए तो बिल्कुल होंगे। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि मुझे ये सब जानने में कोई शौक नहीं है, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम होता है। बाय। एक सेकंड, क्या? अरे अरे, डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।